हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीजा पर। भाई साहब, आज हम कहाँ आए थे? आज हम राजघाट पर आए थे, लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ? राजघाट बंद निकला। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली हम जो है अपना ब्लॉग शूट करने राजघाट आए थे, लेकिन आज राजघाट बंद निकला है। यहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए हैं मुगल गार्डन की तरह, तो मैंने उनसे पता करा तो बता रहे कि भाई अभी इसके कोई खुलने के चांस नहीं है। पता है, इस वीडियो में हम बहुत कुछ करने वाले थे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले थे, सबसे पहले जो हमने अपना जिंगल गिम्बल लिया है ना, उसकी हम जो रिव्यू था वो करने वाले थे। उसके अलावा उससे हम कुछ शानदार शॉट्स लेने वाले थे। उसके अलावा हम यहाँ पर सोच कर आए थे कि कुछ लोगों के साथ प्रैंक भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ ही प्रैंक हो गया भाई। राजघाट बंद मिला है, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएं और कहाँ जाकर वीडियो शूट करें, क्योंकि कोई प्लान भी बना कर ही नहीं आए थे। किस्मत फूट गई भाई। अब क्या किया जाए ये बताइए आप पहले मुझे। अब क्या किया जाए, यही तो सोचना है दोस्तों, क्या किया जाए। कहाँ राजघाट खुलवा देते हैं, मोदी जी को बुलाइए। मोदी जी को हम शादी लेंगे। मोदी जी आपके कौन लग रहा है, आपके चाचा लग रहा है? कोई तो लग रहा होंगे, हमको प्रैंक करना है। अब भाई क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अब हमने डिसाइड ये करा है कि हम बाहर खड़े होकर ही अपने गिम्बल का रिव्यू करेंगे। इसकी मोटी मोटी बातें आपको हम बता देंगे। तो मैं बताता हूँ आपको गिम्बल के बारे में मैं क्या सोचता था। सबसे पहले गिम्बल के बारे में ये सोचता था कि हम गिम्बल खरीद लेंगे, अपना मोबाइल लगाएंगे, ये इसका स्विच होता है, इसको ऑन करेंगे और वीडियो बनना हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन जब मैंने गिम्बल लिया तो बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें जो है जो गिम्बल होता है उसका ही उसी कंपनी का अपना एक ऐप होता है, वो इंस्टॉल करना होता है, उससे इसको कनेक्ट करना होता है, उसके बाद हमारा गिम्बल जो है काम करना शुरू करता है। अच्छा, मैं आपको ओस्मो DJI 3 के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो भाई हमारे साथ क्या हुआ, हम वहाँ पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ी देर में पुलिस वाले आ गए, बोलने लगे चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई ब्लॉग नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम जो है राजघाट के बैक साइड पर जा रहे हैं, बाकी के जो हमारी वीडियो रह गई है हम वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात तो सबको मेरा कैमरामैन पूछना होता है, भाई कैमरामैन कौन है? ये दोनों मेरे कैमरामैन है, एक अब्रार और एक कुवेब। तो दोस्तों, मैं तुम्हें अपनी इंस्टा आईडी बता रहा हूँ, उस पे जाके आप हमसे रियली पूछ ले क्या है, फिर उसके बाद पता लगेगा आपको क्या है, कौन है इनका। हमारी इंस्टा आईडी है कुवेब कुरैशी 76, इनकी है MD अब्रार AK-47। इनके ऊपर AK-47 है। AK-47 वेट थोड़ी सा। तो यासर भाई, अब हम कहाँ जाने के लिए हैं? हम जा रहे हैं राजघाट की बैक साइड। वहाँ पे पुलिस वालों ने इतनी गंदी इंसल्ट की, इतनी गंदी इंसल्ट की है, इंसल्ट बहुत गंदी की। उन्होंने आते ही बोल दिया हमसे कि यहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं होगी, यहाँ पे आप शूट नहीं कर सकते। हमने बोला भाई हम कुछ गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो अपना छोटा सा नॉर्मल सा ब्लॉग शूट कर रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी और हमें वहाँ से भाग। भाई पुलिस वालों के आगे किसकी चलती है, कौन जीता उनसे, इसलिए हम दूसरी साइड आ गए। जब अब अगले 5 ईयर्स के अंदर हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, जिसका नाम है यासर खान। मेरी सरकार होगी। हमारे इस वीडियो पे आप पहुंचा दीजिए 1 मिलियन लाइक। हमारे इस वीडियो पे मैक्सिमम मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम चाहिए तो चाहिए 100 लाइक आ जाए, वही काफी है हमारे लिए मिनिमम। भाई आ गए हम अपनी लोकेशन पर, अब जो है बाकी की वीडियो हम यहाँ पर खड़े होकर शूट करेंगे। रहा था मैं जो है ओस्मो DJI गिम्बल के बारे में आपको कुछ बातें बता रहा, तो वो बात ये है कि जब मुझे पता चला कि ऐप इंस्टॉल करना होता है, तो मैंने जाकर सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया। कौन से मोबाइल में? मैंने कर लिया J7 प्राइम में। लेकिन हुआ क्या, फिर मैंने इसको कनेक्ट करा और उससे अपने गिम्बल को चलाना शुरू करा, लेकिन हुआ क्या कि गिम्बल ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। और अब मैं बहुत परेशान कि भाई गिम्बल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो ऐप इंस्टॉल कर लिया और ठीक से। लेकिन फिर बाद में मैंने खूब सोचा, कुछ रिसर्च करी, तो मुझे पता लगा कि वो फ़ोन इसको सपोर्ट ही नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गिम्बल लेते हैं ना, तो ये देख लें कि आपका फ़ोन इसको सपोर्ट करता है क्या नहीं, क्योंकि हर फ़ोन हर गिम्बल को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा फिर मेरे साथ शॉट ये हुआ, मुझे लगा कि मेरा गिम्बल ख़राब है,
तो मैंने जो है DGI का सर्विस सेंटर ढूंढने की कोशिश करी। तो जब मैंने DGI का सर्विस सेंटर ढूंढा तो मुझे पता चला, हालांकि इसकी 2 साल की वारंटी है, लेकिन मुझे क्या पता चला कि इंडिया में DGI का कोई सर्विस सेंटर है ही नहीं। अगर हमारा ये गिम्बल खराब हो जाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इसको भेजना होगा हांगकांग। अब इतने पैसे खर्च करो, इसको हांगकांग भेजो, फिर वहाँ से सही होकर आता है नहीं आता, अब ये भी नहीं पता है। तो इसका जब सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा वो यही लगा कि DGI इतनी बड़ी कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको चाहिए कि एक सर्विस सेंटर इंडिया में भी खोले, यहाँ पर उसके इतने सारे कस्टमर है, उनको सर्विस प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी छोटी सी वीडियो और छोटा सा रिव्यू अबाउट अ गिम्बल, और यहीं पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यार तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। असल में हम जो है ना इस वीडियो को थोड़ा और लंबा करना चाहते थे, प्रैंक व्रैंक करना चाहते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में नहीं है। राजगढ़ यहीं से दिखा देते हैं, हल्का सा यहीं से दिखा दो राजगढ़, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं सर भाई? भाई यही कहना चाहते हैं, अगर राजघाट खुला होता तो आप सोच सकते हैं कितनी मस्त वीडियो बनती है। ये भी अच्छी है, बुरी नहीं है।